नमस्कार दोस्तों हमारे इस धार्मिक ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जो जगह तो छोटी सी है और यहाँ मंदिर भी कोई खास नहीं है लेकिन इसकी बड़ी मान्यता है इसकी सबसे खास बात यह है इस मंदिर की कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई छत या कभी कोई शेड नहीं बनाया जा सका है और इस बारे में कई क्यों गंतियां प्रचलित हैं जो आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे तो तो पहले आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे और इसका महत्व बताएंगे तो उसके बाद यहाँ कैसे पहुंचे इसके बारे में भी आपको बताएंगे तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और इसे पूरा देखिएगा और हम ये जरूर आपसे एक बार कहेंगे कि यदि आपके पास समय है और आप धर्म कर्म में विश्वास करते हैं तो यह एक बार अवश्य आए आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा और आपकी मान्यता भी पूरी होगी और हाँ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे जो भी वीडियो में इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इस मंदिर पे की बड़ी मान्यता है और लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ अपनी मुराद लेके आते हैं और उनकी मुराद पूरी भी होती है जाहिर सी बात है पूरी होती है तभी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं यहाँ रह रहे, रहे आसपास के लोगों का दावा है कि माता हर किसी की मुराद पूरी करती हैं। इस जगह को यहाँ स्थानीय लोग समय माता का स्थान भी कहते हैं और आमतौर पर इस तरह के स्थान करीब करीब हर गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे इसे कुल देवी भी कही जाती हैं। गांव में बताते हैं हर जगह गांव में कुल देवी होती है या कुमिया माता का मंदिर होता है तो ठीक उसी तरह है लेकिन जिस मंदिर में हम आपको ले चल रहे ले जा रहे हैं उसकी अपनी अलग ही मान्यता है तो क्या मान्यता है उसकी यही हम जानते हैं यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है जिला मुख्यालय से करीब पैंसठ किलोमीटर दूर उतरौला तहसील में रामपुर ग्रंट के पास रामगढ़ में यह मंदिर स्थित है इस मंदिर के पीछे बड़ी ही मनोरम नदी बहती है जिसके चारों तरफ काफी घना जंगल है वैसे ये जगह घूमने के लिए लिहाज से भी आपको प्रभावित कर सकती है इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है मंदिर के पुजारी दशरथ जी ने हमें बताया ये लक्ष्मी माता ही हाँ छत छत सतनाई लग पाई भैया जी कहे वो ऐसा है कि यह जंगल की देवी ही कांट कटाई का लगते ये चारों तरफ से ऐसे घेर कराई दियो अलग अलग दूरी पर बनवाई लो चली हाँ हाँ बकील ने भरना ही चली तो कब्बू क्यों को कोशिश किस लगे ना बाबू जो हमारे रामपुर ग्रंथ के बाबू रहे ना उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बकरी बनवाई इंडा खपड़ा के तो एक रात में कहा तो ऐसा बाढ़ आई कि सब पस्त कई दी और एक लड़की दिए रही अपने उससे बड़े घरे ले जाए कई दीण्डा जो यहाँ के संपत्ति ना नही हम लोग आसामी थे अच्छा अच्छा हाँ क्या क्या नाम है आपका दशरथ तो आप यहीं पूरा हाँ भैया जी हम यहीं गए सेवक हैं कितने साल से कम से कम नहीं तो हमारे भैया तीस उस साल हो रहा है यहाँ और तीस साल से भी अच्छा क्या मान्यता है इसकी इनके लक्ष्मी जी के नाम से मान्यता है और इस मूर्ति को गणेश भगवान मानते हैं अच्छा अच्छा यहां जाने के लिए आप अपने वाहन से जाए तो काफी अच्छा है क्योंकि ये काफी इंटीरियर में है और हो सकता है कि यहाँ से आपको साधन न मिल पाए वैसे आप अगर लखनऊ से आ रहे हैं तो आपको ट्रेन से पहले गोंडा आना पड़ेगा या फिर आप बस से आएंगे तो गोंडा और बलरामपुर दोनों जगह से आप यहां पहुंच सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? हमें कमेंट बॉक्स में, में जरूर बताएं धन्यवाद